नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोटी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और खबर आज उत्तर प्रदेश के हरदोई से है। एक परिवार है, सामान्य सा परिवार, और उस परिवार में एक पिता है, एक माँ है जो नेत्रहीन है, और दो बेटे हैं। और जैसे अमूमन जब बेटे खाने कमाने लगें तो माँ बाप को शादी की चिंता होती है, वैसे ही इन माँ बाप को भी अपने दोनों बेटों की शादी की चिंता। एक की उम्र 30 साल बताई जा रही है और एक की 27 साल। एक कहीं बाहर काम करता और एक गांव में रहकर माता पिता के साथ जो खेती किसानी है उसमें। अब शादी हो नहीं रही थी और शादी के लिए लड़की की तलाश चल रही थी, लेकिन एक मीडिएटर के थ्रू एक रिश्ता तय हुआ कि इन दो सगे भाइयों की शादी इन दो सगी बहनों से होगी। सब कुछ चंगा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, शादी हुई जिस तरीके से सब कुछ होता है सारे विधि विधान के साथ। और उसके बाद शादी की अगली रात यानी कि सुहाग रात की रात को इन दोनों बहनों पर यह आरोप है कि दोनों सगे भाइयों को, दोनों अपने जो पति थे इनके बहनों के, इनको खीर खिलाई और उस खीर में कुछ ऐसा था कि जिसके बाद सब सो गए और ये सारे गहने जेवर रुपया जो भी था सब कुछ लेकर चंपत हो गए। ये पूरी कहानी का लबलुआब है। क्या हुआ, पुलिस क्या बता रही है, कौन हैं ये दोनों बहनें, वो जो मीडिएटर दलाल के थ्रू जो शादी हुई वो कौन है, पुलिस की अपडेट क्या, पुलिस की कहानी क्या है? देखिए, हरदोई ज़िले का मामला है जिसमें जैसा आपने बताया कि दो लड़कों की शादी दो बहनों से हुई। इसमें शुरुआत में मीडिएटर को भी 80,000 रुपये दिए गए और चूँकि शादी नहीं हो रही थी तो बड़ी मुश्किल से शादी तय हुई। अब उनको क्या पता था शादी क्यों नहीं हो रही थी, सर्टेन रीजंस। अच्छा, ठीक। क्योंकि उम्र तो बहुत ज़्यादा नहीं, 30 और 27 साल तो ऐसा, लेकिन कभी जैसे कोई ना कोई, कभी लड़का पसंद नहीं आया, कभी लड़की पसंद नहीं आई, तो फाइनली तय हुई शादी। और जब शादी तय हुई तो दो लड़कियां भी घर में आई, दोनों बहनें थी। अब आप सोचिए कि उनकी नियति में इतनी खोट थी कि उन्होंने आते ही पहले खीर खिलाई और उसके बाद घर का बहुत सारा सामान लेकर चली गई। पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, जाँच की जा रही है, अभी तक उनके कोई ट्रेस नहीं मिले हैं। लेकिन ये अपने आप में बड़ा अनोखा मामला इसलिए क्योंकि दोनों बहनें एक ही घर में जा रही थी। हाँ। और उसके बाद क्या ये पूरा एक साजिश के तहत शादी हुई, क्या ये उन लोगों का ऐसा धंधा है कि वो इस तरह से शादियां इससे पहले भी कर चुकी हैं और इस तरह से लेकिन चिराग, ये पहला मामला तो नहीं है ना, और न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि तमाम प्रदेशों में इस तरह की। मुझे तो एक राजस्थान की खबर याद आती है कि एक शख्स ने राजस्थान के 3-4 जिलों में अलग अलग शादियां कर रखी थी, उसने अलग अलग परिवार बसा रखे थे। बिल्कुल ठीक काम है। और ऐसे ही एक मुझे याद आती है झारखंड की खबर थी जिसमें एक जो वो जो मंडली में बाजा बजाते हैं वो उसी में बाजा बजाने का काम था और उसने 3-4 जगहों पर अपना परिवार इस तरीके से बसा रखा था। ये पहला मामला नहीं है लेकिन ये एक अलग तरीके का क्राइम था। इसमें जो लुटेरी दुल्हन के तौर पर इनको पेश किया, इनका बैकग्राउंड क्या कुछ समझ में आया, पुलिस कुछ बता पाई इनके बारे में? देखिए, अभी चूंकि मुकदमा दर्ज हुआ है, जांच की जा रही है, हरदोई ज़िले का जैसे मैंने बताया मामला था और दलाल भी इसमें फरार है जिसको 80,000 रुपये दिए गए थे शादी कराने के लिए। ऐसे में ये बड़ा विचित्र मामला था क्योंकि जैसे मैंने बताया कि आपने दलाल पकड़ा गया नहीं, दलाल भी नहीं पकड़ा गया। इसमें एक लड़का नौकरी करता है दिल्ली में और एक अपनी फैमिली के साथ रहता है हरदोई में, खेती करता है वो। अब ऐसे में जब शादी तय हुई तो दोनों आए गांव और उसके बाद पूरे रीति रिवाजों के तहत शादी हुई, दोनों लड़कियां भी आईं। सुहागरात के दिन जब था तो उन्होंने खीर बनाई, यानी कि इसका मतलब साजिश बहुत साफ साफ थी, पहले से ही साफ था कि कुछ उसमें नशीला पदार्थ मिलाया और उसके बाद खिला दी और ये तमाम चीज़ें ले गई। अब असेसमेंट पुलिस कर रही है कितना इनका कैश ज्वेलरी गया है, ये अपने आप में एक तो इन्वेस्टिगेशन का, लेकिन दूसरा जहाँ लड़कियाँ जो है वो पास के ही गाँव की, हरदोई की, तो पुलिस का भी कई टीमें रेड करे लेकिन वो घर पर तो है नहीं, ऑब्वियसली उनके परिवार के भी लोग नहीं मिले अभी तक, लेकिन दबिश दी जा रही है कई इन्वेस्टिगेशन। ये तो खबर हो गई और उसमें जो अपडेट होगी वो जाहिर तौर पर आपसे साझा भी की जाएगी। लेकिन जो दर्शक अभी चिराग हमें देख रहे हैं उनके मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि बचें कैसे, इन सब कैसे पता लगाएं। अब तो तमाम, किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, जो मैट्रिमोनियल साइट्स हैं वहाँ से भी लोगों के रिश्ते होते हैं, कई बार ठगी का लोग शिकार भी हो जाते हैं, किसकी गर्दन दबोची जाए समझ में नहीं आता। उसके बाद लोग अपने आपसी संबंधों पर कि भाई ऐसे रिश्ता लग गया, किसी मीडिएटर के थ्रू लग गया, अपने अपने जातिगत समाज की भी कई चीज़ें चल रही हैं वहाँ से रिश्ता लग गया,
लेकिन इस तरीके के जो रिश्ते लगते हैं किसी मीडिएटर के, तो कैसे लोग सावधान रहे? क्योंकि जो लोग हमें देख रहे हैं उनके मन में सवाल होगा कि ये तो खबर है लेकिन हम बचें कैसे, हम भी तलाश रहे ऐसे किसी मीडिएटर के माध्यम से। ये जो आपका सवाल है ना, ये सबसे मुश्किल सवाल है। उसका वजह ये है क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप सब कुछ वेरीफाई कर लेते हो तब भी आप कहीं पर ठगे जाते हो। अब इस केस में क्या था, मीडिएटर था, जान पहचान का था, अब आप ट्रस्ट कर रहे हो उस पर, और उस ट्रस्ट के तहत उसने दो लड़कियां बताई, आपने परिवार देखा, भाई परिवार में आप इकोनॉमिक सिचुएशन देखते हो, पारिवारिक पृष्ठभूमि देखते हो, लड़की की क्या कर रही है, उनके पिताजी क्या करते हैं, लड़की का भाई क्या करता है, ऑब्वियसली ये तमाम चीज़ें देखी जाती हैं। अब चूंकि अब नया दौर आ गया तो नेचुरली सोशल मीडिया पर ही प्रोफाइल आजकल अपलोड कर दिया, सोशल मीडिया पर तो फेक भी बनाई जाती है ना, तमाम फेक भी बनाई जाती है। एक फिल्म याद आती है रणवीर सिंह की, शायद वो फिल्म है, वो अलग अलग तरीके से वो लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाता है। तो इस तरीके से भी चीज़ें होती हैं, पहले से ही सब कुछ अपनी प्रोफाइल, एक फेक प्रोफाइल को ऐसा मेंटेन कर देना कि सब कुछ लगे सब चंगा है, लेकिन लोग फंस जाते हैं इसमें बिल्कुल, और फिर कुछ उनके पास चारा नहीं होता। बहुत से ऐसे केसेस होते हैं कि शादी यहाँ की, उसके बाद कि मैं ले जाऊँगा विदेश, जरा आ जाऊँ वहाँ से, और उसके बाद वो कभी लौट के नहीं। पंजाब तो इसका जीता जागता उदाहरण है। बचे कैसे लोग, ये जानना चाह रहे होंगे। देखिए बचे ऐसे कि इस तरह के केसेस में यूजली माँ बाप की एडवाइस को ज़्यादा फॉलो करें क्योंकि वो हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंसड हैं, वो जो देखेंगे। मान लीजिए आपने कोई पसंद, क्योंकि इसमें तो कोई पुलिस वेरिफिकेशन तो इसमें नहीं होगी, इसमें कोई पुलिस वेरिफिकेशन का कोई मतलब नहीं। इसमें सवाल ये उठता है कि भाई आप, चूंकि कहते हैं ना कि अगर माँ बाप ने तलाशी होगी वो ठीक ही तलाशी होगी। हम भी यूजली जब शादी हमारी हुई, हमारे हमने भी एट द एंड कहा ठीक है, मम्मी डैडी ने जो कह दिया वो ठीक है ओके, क्योंकि वो एक्सपीरियंसड है, उनको पता है, वो आपका गलत नहीं चाहेंगे, वो बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। प्यार मोहब्बत में कई बार बहुत सारी चीजें इग्नोर कर दी, तब भी प्यार मोहब्बत में एक दूसरे को जानते तो हैं, जानते तो इसमें हैं। तो बस जुमा जुमा चार दिन से जाना, और जितना जाना उतने में तो वो नशे की दवाई खिला के वो सब कुछ लूट के चली गई। अब तो ज्यादा जान गए क्योंकि अब इतना ज्यादा नुकसान हो गया कि अब तो मजबूरी हो गई जानना, और अब पुलिस में मुकदमा भी हुआ है, तो अब देखते हैं क्या होता है इस केस का। लेकिन ऑब्वियसली इस तरह के केसेस से बच के बिल्कुल निश्चित तौर पर, और आपका सवाल भी बहुत वाजिब है कि इस तरह के केसेस बहुत ज्यादा जो पेश अलग अलग तरीके से बहुत ज्यादा हो रहे हैं ये। और इसका सबसे देखिए होता क्या है कि कई बार हम जो नज़दीक का फ़ायदा होता है उसमें दरअसल दूर का नुकसान छिपा होता है। जब हम इस चीज़ को पहचान लेते हैं तब इस तरह की समस्याओं से बचते हैं। शादी नहीं हो रही थी, कई साल से माँ बाप परेशान थे, तुरंत लड़की मिली, नज़दीक का फ़ायदा देखा, लेकिन दूर का नुकसान ये था कि उन्होंने उसके बारे में कुछ खास पता नहीं लगाया। नतीजा ये हुआ कि सुहागरात के दिन ही एक ऐसी खीर खिलाई कि सब सो गए, और ये दोनों बहनें सारा साजो सामान समेट कर रफू चक्कर हो गई। इस परिवार के साथ तो ये हुआ, लेकिन आपके साथ ऐसा ना हो इसके लिए ज़रूरी है कि आप सावधान रहें, सजग रहें और समझदारी से अपने फैसलों को लें। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम जानकारी के लिए। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।